हल्द्वानी नगर निगम ने अब सार्वजनिक उपयोग के लिए शहर में नजूल की भूमि पर कब्जा कर होर्डिंग बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। मुख्य नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने हल्द्वानी शहर में जजी कोर्ट के पास पंचचक्की चौराहे के पास सरकारी भूमि पर कब्जा कर नगर निगम के स्वामित्व वाले होर्डिंग बोर्ड लगा दिए हैं। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि शहर में सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और सरकारी उपक्रमों के लिए काफी भूमि की आवश्यकता है, इसलिए नगर निगम ऐसी भूमि को चिन्हित कर रहा है जो सरकारी भूमि है और जिस पर किसी व्यक्ति ने आवेदन नहीं दिया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि वह सभी भूमि नगर निगम के स्वामित्व में ली जाए और सरकारी कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाए, जिसके तहत यह कार्रवाई शुरू की गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीनों की आवश्यकता है, जैसे कूड़ा घर बनाना, ट्रांसफर स्टेशन बनाना, MRF सेंटर बनाना, इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र बनाना, पार्किंग बनाना, इसके लिए जमीनों का विश्लेषण किया गया नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र अंतर्गत जो भी जमीनें थी और जो भी जमीनें भी सरकारी जमीनें हैं जिन पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके का कोई आवेदन नहीं किया गया है, उसकी एक लिस्ट बना करके जमीनों को व्यापक जनहित में आम जनमानस के उपयोग के लिए बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर के लिए इन जमीनों को नगर निगम अपने आधिपत्य में ले रहा है। अभी तक 2 जमीनों पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है और बाद में यदि किसी का कोई पक्ष उसमें आता है तो उसको पक्ष को भी सुना जा रहा है। तो जो भी प्रक्रिया है वो नियमानुसार की जा रही है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि हम आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध करा सकें।